पिछले साल नवंबर दिसंबर के महीने में मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा, भाई तूने एंटीक्विटी ग्रीन देखी है क्या? मैंने कहा, एंटीक्विटी ग्रीन? कहीं तो ब्लू या गोल्ड तो नहीं बोल रहा है? उसने कहा, नहीं ग्रीन। मैंने उससे पूछा, तूने देखी है क्या? उसका जवाब आया, देखी नहीं, पी रहा हूँ। मैंने कहा, कितनी पी ली? उसने कहा, पूरी बॉटल। मैंने कहा, चल फिर तो एंटीक्विटी ग्रीन ही होगी, मेरी गलती है। बट मेरा भाई कच्चा नहीं था, उसे पता है लिकर के बारे में। तो मैंने इमीडिएटली अपना लैपटॉप खोला, गूगल सर्च किया कि एंटीक्विटी ग्रीन है कि नहीं। मुझे कुछ नहीं मिला, सिग्नेचर ग्रीन मिली, सिग्नेचर गोल्ड मिली और काफ़ी सारे रिव्यूज मिले बाकी रिव्यूअर्स के, बट मुझे एंटीक्विटी ग्रीन नहीं मिली। मैंने कहा, ठीक है भाई, शायद ज़्यादा पी लिया होगा, कुछ कुछ बोल रहा होगा। मैंने बात को छोड़ा और अपने रास्ते चल दिया। अब बात आगे कुछ महीने निकल गए, फिर मैं एक बार केरला राज्य में था और वहाँ से मैंने काफ़ी बॉटलें खरीदी एक वाइन शॉप से। जैसे मैं बाहर निकल रहा था तो मुझे दिखा एंटीक्विटी ग्रीन। मैंने फटाक से बॉटल को उठाया, बाकी बॉटलों के साथ रखा, अपने बैग में डाली और घर चला गया। अगले दिन मेरे रिश्तेदार आए थे, मैंने उन्हें कहा कि भाई क्या आपने एक नई एंटीक्विटी ग्रीन ट्राई की है? मस्त विस्की है, मेरा दोस्त बता रहा था। रिश्तेदार ने कहा, एंटीक्विटी ग्रीन विस्की? मैंने तो नहीं देखी। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो, अभी दिखाता हूँ। मैं गया, मैंने बॉटल बैग से निकाली और देखा कि भाई ये विस्की नहीं बनती थी। खरीद तो ली, रखी हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना आपको इस चीज़ से बचाया जाए, आपको बताया जाए कि भैया एंटीक्विटी ग्रीन एंटीक्विटी वालों की, शॉवलेस वालों की एक नई ब्रांडी है जो सेलेक्ट राज्यों में निकल के आई है। आज हम इसी का रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे कि भैया ये कैसे नोज है इसका, कैसा टेस्ट है, और ये भी बताएंगे कि जो एक बड़ी गाड़ी होती है जिसका नाम है लिमोजिन, उसका और इस ब्रांडी का क्या रिश्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस पे नजर दौड़ाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है एंटीक्विटी एक्सओ ब्रांडी। अब एक्सओ की कहानी ऐसी है, जो ब्रांडी पीते हैं उनको शायद मालूम होगा, बट आपको बताता हूँ। BNIC करके एक काउंसिल है फ्रांस में, 1983 में वो गए गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस को, उन्होंने कहा कि यार आजकल कोई भी कोनिया किसी भी तरह से मिला रहा है, हमारा दुकान चल नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, चलो अब हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं, आगे से जो भी कोनिया है ब्रांडी जो कोनिया रीजन से आती है उसकी कैटेगराइजेशन होगी तीन कैटेगरी। VS जो स्टैंड करती है वेरी स्पेशल के लिए, जिसमें हमारी ब्रांडी कम से कम 2 साल तक एज होनी चाहिए। VSOP वेरी सुपीरियर ओल्ड पेल, जहां पर हमारी ब्रांडी कम से कम 4 साल के लिए एज होनी चाहिए। और फाइनली XO स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा ओल्ड, जहां पर हमारी ब्रांडी कम से कम 6 साल तक एज होनी चाहिए। पर ये नियम पुराना है, 2018 में इसको बढ़ा दिया था 10 साल तक, और जो कोनिया के नियम है वही हमारी ब्रांडी भी यूज करती है। तो एंटीक्विटी वाले बोलना चाहते हैं कि इसमें जो इनकी एक ब्रांडी है, द यंगेस्ट ब्रांडी, इज एटलीस्ट 10 ईयर्स ओल्ड। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कितना सत्य है। ब्लेंडेड ब्रांडी है ये, तो पर इन्होंने लिख दिया है शॉवल इसकी है। पीछे देखते हैं, पीछे उन्होंने लिखा है कि ये एन एक्सेप्शनली स्मूथ ब्रांडी। छोड़िए इसको, आगे बढ़े। ये बोल रहे हैं कि ये ब्रांडी जो है ये एंटीक शार्ने डिजाइन कॉपर पॉट स्टील में है। शार्ने जो पॉट स्टील है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो आपका बॉयलर रहता है जहां पर आपकी ब्रांडी डिस्टिल होती है, फिर आपका एक लंबा सा स्वाइन नेक रहता है जहां पर वेपर्स बनते हैं, और उसके बाद वो जाके बैठ जाती है एक टब के अंदर जहां पर वो फिर से कूल होती है और वहां से आपका डिस्टिल हुआ अल्कोहल निकलता है। फिर ये बोल रहे हैं कि इसको मैच्योर किया जाता है उस ओक में जो आती है फॉरेस्ट ऑफ लिमोजिन से। लिमोजिन जो है वो फॉरेस्ट जो है हमारा फ्रांस में है, और यहां पर लिखते हैं कि ये 3 साल के लिए, 3 साल के लिए इसको कास्क में रखते हैं। सीधी साधी बात है, अगर आपने इसको 3 साल के लिए रखा है तो ये एक्सो के लिए क्वालिफाई होती नहीं है, बट हमारे शॉप वाले आपको बता रहे हैं कि भाई ये एक्सो ब्रांडी है। फिर रियल बोलते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी फाइनली बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमेशा आपको बताता हूँ, इसका दाम क्या है। इसका दाम है 1630 जो मुझे पड़ी थी केरल के राज्य में। आगे चलते हैं, बॉटल को देखते हैं। चलिए बॉटल को देखने का समय आ गया है। इसकी जो बॉटल है एग्जैक्टली हुबरू दिखती है हमारी विस्की की बॉटल की तरह, जो कि मैंने यहाँ पर संभाल के रखी हुई है। आपको देखिए दोनों भाई करण अर्जुन एकदम एक जैसे, एक नीला एक हरा, कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट द डिफरेंस इन द टॉप। यहाँ का जो इनका जो कैप है ग्रीन वाली का अलग है, ब्रांडी का अलग है, और हमारी विस्की का अलग है।
बाकी इस बॉटल पे मैंने पहले भी देखी थी, इस बॉटल में बताने लायक कुछ भी नहीं है। बट एक इंटरेस्टिंग बात जो आपको बताना भूल गया, जिस कास्क की बात करते हैं, लिमोजिन फॉरेस्ट के जो ओक से बने हुए कास्क की जो बात करते हैं, उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो उसमें टैनिन्स ज़्यादा होते हैं। इट्स ए हैवी ग्रेन कास्क, उसमें टैनिन्स ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने आपको इंद्री में बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस ब्रांडी को पियेंगे तो आपको एक बिटर टेस्ट आएगा और आपका मुंह ड्राई होने की संभावना है। इसके में और क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, ग्रेप, इंपोर्टेड ग्रेप स्पिरिट, इंपोर्टेड इंडियन ग्रेप स्पिरिट। कहते हैं जो ब्लेंड बना है, ये ब्लेंड आधा ब्लेंड जो है, आधा नहीं, कुछ ब्लेंड है जो इसको बोलते हैं ऑडूबी, द वाटर ऑफ लाइफ, जो फ्रांस में यूज़ किया जाता है एक फ्रूट ब्रांडी के नाम को। थोड़ा परसेंटेज आया है फ्रांस से और बाकी जो है वो इंडिया के ऑडूबी से बन के आया हुआ है। मैं थोड़ा फ्रांस में रहा था तो मुझे थोड़ी बहुत गूगल करके फ्रेंच आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी नोसिंग करते हैं। ब्रांडी के लिए ब्रांडी का ग्लास, हम इसमें इसको पोरिंग कर देते हैं इसकी बढ़िया वाली। रंग जो है कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इस रंग में आर्टिफिशियल कलर एडिड है, इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर भी एडिड है। तो चाहे ये ब्रांडी स्पेन से लाएं या फ्रांस से लेकर आएँ, अगर आपने इसके अंदर फ्लेवरिंग सब्सटेंस डाल दिया है तो कोई मतलब बनता नहीं है। बहरहाल हम करेंगे इसकी नोसिंग और देखेंगे कि ब्रांडी का कितने फ्लेवर इसके अंदर आते हैं। थोड़ा स्पॉइल किया जाए, हाँ, इट्स अ प्रिटी मेलोड ब्रांडी जो कि बहुत अच्छा है। हल्का सा अल्कोहल का विफ जरूर आ रहा है। इसका जो अल्कोहल परसेंटेज है, इट्स एट अबाउट, लेट मी चेक, पढ़ा तो था, आ गया 42.86 इसका जो अल्कोहल एबीवी है। नोसिंग में और हल्का सा ओक है, बहुत ही मिनिमल, बट आई कांट से whether it's coming from the cask that they have used। मेरा मानना है कि वो फ्लेवरिंग सब्सटेंस से ही आ रहा होगा। एक स्वीटनेस डेफिनेटली है ब्रांडी की, ग्रेप्स की स्वीटनेस, बट वो भी इन्होंने डाली हुई होगी शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। हमारे एक मित्र ने हमें इंद्री के इसमें कहा कि कमेंट में लिखे कहा कि मैंने काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं और वो अल्कोहल ऐसी ले लेते हैं और काफ़ी बिटर रहती है। तो अगर आपको मॉल्ट का फ्लेवर पसंद नहीं आता है, ओक का फ्लेवर पसंद नहीं आता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ब्रांडी ट्राई कीजिए। मे बी विस्की इज़ नॉट फॉर यू। तो ब्रांडी में एक स्वीटनेस अंडर टोन रहता है, वो शायद आपको ज़्यादा पसंद आए। इसका जो टेस्ट है, इट्स लाइक अ टिपिकल ब्रांडी फ्लेवर्ड ब्रांडी, ज़्यादा कहने लायक कुछ है नहीं। अगर आप कोई भी ब्रांडी पकड़ेंगे जिसमें फ्लेवर डाल के बनाया गया हो, वो ऐसे ही टेस्ट करेगी। विफ है, बढ़िया विफ है इसके अंदर अल्कोहल का। मुझे लगता नहीं है कि ये मैं फिर से खरीदूंगा, बट आगे बढ़ते हैं और कंक्लूजन देखते हैं। हेविली फ्लेवर्ड ब्रांडी, कोई भी इसमें ग्रेप ब्रांडी का नहीं है। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड आउट कि मैं बिस्की पी रहा हूँ या ब्रांडी पी रहा हूँ। इट्स बहुत ही ओक का फ्लेवर आ रहा है, हल्का सा मिठास आ रहा है। ब्रांडी का नाम यही लोग सब खराब करते हैं, कुछ भी बना के आर्टिफिशियल कलर आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल के डाल देते हैं बॉटल के अंदर। कंक्लूजन, आज हमने देखा कि एंटिक्विटी जो अपने आपको एक्सो ब्रांडी बोल के बेच रहे हैं, इसको कास्क में मैच्योर होना चाहिए था, मेलोडाउन होना चाहिए था, हल्का सा एक अंडरटोन होना चाहिए स्वीटनेस का, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी अल्कोहल विफ है, बहुत ही फ्लेवर्ड लग रही है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड लग रही है, मुझे पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। एकदम फुदूसी ब्रांडी बनाई है इन लोगों ने, अपशब्दों के प्रयोग के लिए क्षमा चाहूँगा। बट आप उदास मत होइए, आपको ये ट्राई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कर लिया है और इसके चक्कर से दूर हटिए। ये ब्रांडी से मुझे याद आया कि शायद हम लोगों को और ब्रांडी पर रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ा और ब्रांडी के बारे में जानना चाहिए। मैं और बढ़िया ब्रांडी आपके लेकर आऊँगा और उस शो का नाम होगा पी फॉर ब्रांडी। अब तक बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। एक और बात आपको बतानी थी, मैंने कहा था कि लिमोजीन जो व्हीकल है और इसका क्या संबंध है। जिस फॉरेस्ट की मैंने बात की जहाँ से इसका ओक आता है, उसको लिमोजिन फॉरेस्ट बोलते हैं, और वहाँ पर जब गवाले जाते हैं तो एक
क्लॉक पहनते हैं, एक वस्त्र पहनते हैं जो काफ़ी लंबा रहता है ऊपर से देखने के लिए, और उसी को देख के लिमोजिन वालों ने अपनी गाड़ी का नाम लिमोजिन रखा था। ये एक छोटा सा एक ट्रिविया है, ऐसी बातें मुझे पसंद आती है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।